पॉलिटिकल पंडित हमारी स्पेशल पेशकश है एसआर टाइम, प्रजातंत्र, आईएनएन न्यूज़ और हॉटलाइन की ये स्पेशल जो रथ है वो शहर के सभी विधानसभाओं में हर कैंडिडेट का पॉलिटिकल कुंडली खंगालने के लिए निकली है। इस बार ये देखने निकले हैं कि किस नेता के कुंडली में राजयोग है तो किस नेता के कुंडली में राहु बैठे हुए हैं। फिलहाल हम विधानसभा राहु में ही मौजूद हैं और राहु के बीजेपी के कैंडिडेट मधु वर्मा हमारे साथ हैं। मधु भाई, आपका स्वागत है। राहु की विधानसभा बनने के बाद में सबसे पहले कांग्रेस को जनता ने मौका दिया, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी को, फिर कांग्रेस को। क्या जनता एक बार एक ही व्यक्ति को मौका देती है या कांग्रेस या बीजेपी, इस बार क्या लग रहा है आपको? नहीं, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जीतेगी भी तो ऐतिहासिक मतों से। मतलब अपन कल्पना नहीं कर सकते, हम लोग भी उसका यानी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह प्रचंड बहुमत से यहाँ पर राहु विधानसभा जीतेगी। जिस तरह से हमारा जनसंपर्क चालू हुआ है और जिस तरह से मतदाता का और कार्यकर्ताओं का रुझान है अपने उम्मीदवार के प्रति, उससे ऐसा लगता है कि मतलब ये विधानसभा सीट, इसके रिजल्ट बहुत ही मतलब अलग ढंग के रिजल्ट आएंगे। यहाँ पर कांटे की टक्कर कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के विधायक नहीं रहे, पहले सबसे पहले बीजेपी के विधायक, फिर कांग्रेस। अब क्या उम्मीद लग रही है? लोग कहते हैं कि कांटे की टक्कर है, दोनों का बराबर का एक मुकाबला है। मैं तो उसको कांटे की टक्कर मानते ही नहीं हूँ। पहले दिन से जिस दिन से मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उस दिन कार्यकर्ता और राहु के मतदाता ने यह तय कर लिया था कि मधु वर्मा को यहाँ से विधानसभा भेजना है, क्योंकि उसका एक सबसे बड़े लक्षण दिखे थे कि हम फार्म भरने गए थे तो 10 से 15 हज़ार लोग थे पूरे शहर के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये चर्चा थी कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इतने पुराने और सीनियर कार्यकर्ताओं को, जो मेहनत कर, जो लगातार संगठन के लिए काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है, कभी टिकट नहीं मांगता है, तो मैं समझता हूँ सारे कार्यकर्ताओं में हर्ष था और राहु विधानसभा के मतदाताओं में एक ललक थी। मतलब इस तरह का सोच था कि नहीं, मधु वर्मा अगर हमारे क्षेत्र से आते हैं तो निश्चित है कि हमारे क्षेत्र की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि आज यहाँ बताना संभव नहीं, इतनी सारी गिनाना ज़रूरत नहीं, लेकिन जिस तरह से मैंने इंदौर विकास प्राधिकरण में काम किया था इंदौर शहर के विकास के लिए, इंदौर शहर को एक नया बनाने के लिए, लोगों को ये उम्मीद है कि मतलब राहु में मधु वर्मा आएंगे तो हमारी छोटे काम से लेकर बड़े काम तक के जो विकास के काम हैं वो सारे हमारे मधु वर्मा उसको बड़े आसानी से कर पाएंगे। आईडीए के अध्यक्ष रहते हुए आपने पूरे इंदौर की बात की जाए तो काफ़ी विकास कार्य किए, उसमें विधानसभा आपके राहु क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य हुए जिसका आपको बहुत लाभ मिलने की गुंजाइश बनती, किया कौन कौन से विकास? नहीं, मतलब इंदौर में राहु के अंदर काम करने से लाभ का नहीं, लेकिन राहु के अंदर हमने एक अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क जो 50 करोड़ का बना है पिपला पाले के अंदर, वो काम किया है। एक पिपला राव के अंदर यहाँ पर मुक्ति धाम का जो सौंदर्यीकरण नया बना है उसके लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश का एक अच्छा जो बोलना चाहिए मुक्ति धाम है, जो आज भी उसकी प्रशंसा पूरे शहर में होती है। राहु विधानसभा के अंदर जब मैं अध्यक्ष था तो उस समय करीबन 3 करोड़ की गैर योजना मत की सड़कें बनाई, क्योंकि वहाँ पर जो है कांग्रेस के जिला पंचायत के सदस्य अध्यक्ष वो थे कांग्रेस के थे, हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत कठिनाई आ रही थी, तो मैंने फिर उनको 3 करोड़ रुपए की राशि का विकास कार्य के प्रस्ताव बुलवा और तुरंत चालू कर दिया 8 दिन के अंदर। बिजलपुर के अंदर भी 1 करोड़ 1.5 करोड़ के काम किए, ऐसे बहुत सारे काम। राजेंद्र नगर क्षेत्र में एक ऑडिटोरियम हमने जो बनाया, अभी कुछ अधूरा रह गया मेरे जाने के बाद, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था कि जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, इतना बड़ा हमने ऑडिटोरियम बनाने की शुरुआत की, काफ़ी बन गया, थोड़ा सा काम रह गया था और मैं वहाँ से फिर मेरा कार्यकाल खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे काम हम लोगों ने विकास प्राधिकरण के माध्यम से किए, एक क्योंकि क्या इसके अंदर एक और हमने BRTS का भी बहुत बड़ा काम किया, वो राजीव गांधी से लेकर भोरकुआं से तक राहु विधानसभा में आता, और वो भी मतलब राजीव गांधी से लेकर निरंजनपुर का जो BRTS का जो वो कंसेप्ट भी मेरा ही था, मेरे कार्यकाल में मैंने हिम्मत जुटाई कि नहीं इसको हम बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। आज देखिए कि मतलब BRTS पे बसें दौड़ रही हैं, इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी BRTS, इसको हम आगे भी ले जाएंगे, इसको राजीव गांधी अपना राहु सर्कल से तक भी ले जाएंगे, और बहुत अच्छे अभी जो काम उसमें कुछ रह गए हैं मतलब BRTS के अंदर, वो भी हम अभी कोशिश करेंगे कि हम किसी भी तरह से मतलब नगर निगम के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से मेरा प्रयास होगा कि हम उसको बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे, क्योंकि इंदौर एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही है और कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों का सोच होना चाहिए कि हम भी कहीं ना कहीं इसमें जितना भी हम लोग कर सकें
हमारे दिमाग का इस्तेमाल कर सकें और हम एक और क्या अच्छा कर सकते हैं उसके अंदर हमको। तो पटवारी आपके अगेंस्ट है अभी प्रतिद्वंदी के रूप में, क्या लगता है कितने मजबूत कैंडिडेट मानते हैं आप, क्योंकि उनका अच्छा कांग्रेस में अच्छा वर्चस्व रखा है, यहाँ के विधायक भी है, कितने मजबूत कैंडिडेट मानते हैं आप अपने सामने? देखो मैं तो इसलिए नहीं मानता हूँ कि 5 साल उन्होंने जो विधानसभा के सदस्य रहे, मैं समझता हूँ आप भी कहीं ना कहीं चर्चा में तो आती ही है, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने मतलब पूरे मंदोर के अंदर, चाहे वो कलेक्टर बिल्डिंग हो, सुपर कॉरिडोर हो, शिवाजी से बाईपास हो 140 की, MR 9 हो, MR 10 से 11 नक्षत्र के पीछे वाली, एक उत्सव होटल से फूटी कोटी की रोड है, और ऐसे हर विधानसभा में 200 करोड़ के काम किए जिसकी चर्चा आज पूरे शहर में होती है। जीतू पटवारी जी अगर आज ये विधायक कुछ काम करते तो मैं समझता हूँ शहर में लोग अच्छे, इंदौर इतना अच्छा शहर है कि जहाँ पे अच्छे काम करने वालों को की तारीफ होती है, लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं। आज जैसे मालिनी गौड़ जी ने मतलब इंदौर के अंदर महापौर रहते हुए सफाई के अंदर 2 वर्ष तक प्रथम इंदौर को नंबर 1 बनाया, तो आप देखिए आप बच्चे से पूछो, स्कूल के बच्चों से पूछो, कहीं बुजुर्ग से पूछो, महिलाओं से पूछो, तो सब बोलते हैं कि नहीं इतना बढ़िया बनाया। तो अगर वो पटवारी जी अगर ये काम करते इस तरह का, तो मैं समझता हूँ जनता उनको हाथों हाथ लेती है। आप एक छोटा सा उदाहरण, आप तो अभी देखा होगा आपने, यहाँ पे जनसंपर्क मेरा शुरू हुआ है, सवेरे से हम कर रहे हैं, संख्या कमी नहीं होती, घर घर से आदमी निकल रहा है, तो वो उसका कारण ही है कि मधु वर्मा को वो एक अच्छे रूप में देखते हैं, उनके विकास को देखते हैं, विकास की बात करते हैं। कई जगह मैं घरों में जाता हूँ तो वो बोलते हैं नहीं भैया आपको तो देने ही हमको वोट, आपने शहर के अंदर अच्छे काम किए, तो जब उस समय मुझे ऐसा लगता है कि जीवन के अंदर अपन ने ये बहुत बड़ी चीज़ हमने पाई है। मधु भैया के मधुर संबंध भी लोगों के काम आ रहे हैं, सुबह से लेकर रात हो गई, अभी अंधेरा भी हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके आपके चेहरे पे अभी तक थकान नज़र नहीं आ रही, इतनी एनर्जी कहाँ से ला रहे हैं आप? एक्चुअली तो ये एनर्जी बताऊँ कि जो मेरे कार्यकर्ता हैं जो मेरे लिए जान लगा के भिड़े हुए हैं, और दूसरा मतदाता का जो मतलब मेरे मतदाता जो राउ के वो इतना प्यार दे रहे हैं कि जिस घर में जाते हैं तो मतलब वो स्वागत से लेके मिठाई से लेके इतना करते हैं, और उनके चेहरे पर जब प्रसन्नता दिखती है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे जीवन के अंदर चुनाव जीतना लड़ना अलग चीज़ है, लेकिन जब एक व्यक्ति को इतना प्यार मिलता है, नहीं तो कोई भी अगर एक नया उम्मीदवार आता है तो मतदाता उसको सीधा सीधा गले नहीं उतारता है, कहीं ना कहीं उसके बारे में बहुत सारी खोजबीन करता है। तो मेरे लिए ये सब मैं भाग्यशाली हूँ या कि मेरे को मतलब मेरे राउ विधानसभा के मतदाता, मेरे कार्यकर्ता इतनी जी जान लगाकर मेरे लिए लगे हुए हैं, तो मेरे लिए तो मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का आशीर्वाद मिलता है तो राउ विधानसभा क्षेत्र को क्या नई सौगातें आप देने जाएंगे? देखिए राउ के अंदर शहरी क्षेत्र के अंदर तो एक सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, जो नए 4 वार्ड जुड़े हैं, बिचोली से लेके निमोदी वाला वार्ड है, पालदा वाला वार्ड है, उसके बाद आपका ये सिलिकॉन सिटी वाला एयरकेड़ी वाला वार्ड है, ये बड़े बड़े वार्ड हैं, यहाँ पर बड़ी बहुत सारी टाउनशिप विकसित हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जब टाउनशिप विकसित हो रही थी, जब कभी किसी को कल्पना नहीं थी जब पंचायत थी कि ये इतना बड़ा स्वरूप ले लेगी, और अभी इस समय पानी का इतना भीषण संकट रहता है कि मैं जहाँ जाता हूँ बेचारे वही बात करते हैं कि भैया पानी हमको करा देना, आप तो हमारे को सब कुछ कुछ नहीं करा, तो पानी करा देंगे, तो पानी एक ज्वलन समस्या है, क्योंकि उनके यहाँ रोड की तकलीफ़ नहीं है, लाइट की तकलीफ़ नहीं है, ड्रेनेज की एक ज़रूर उनकी एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि सेफ्टी टैंक जो बनाए थे उन्होंने वो भर चुके हैं, और वो उनका पानी ओवरफ्लो होकर दूसरे के या तो प्लांट में जा रहा है या किसी के खेत में जा रहा है। तो ये 2 समस्या है, एक तो ड्रेनेज के जो सेफ्टी टैंक को एक मास्टर प्लान की जो उनकी योजना है नगर निगम की, तो अमृत योजना के अंदर, तो उसके अंदर उनको ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, और वो ड्रेनेज के जो सेफ्टी टैंक है कॉलोनी के उसको जोड़ना है, कुछ हिस्सा नगर निगम ने उसमें करा है, हमारा प्रयास होगा कि हम उन चीज़ों को बहुत गति दें, और पानी के लिए मतलब चिंता करके उसको हम पानी के लिए उनकी उनके उनकी समस्या हल हो जाए, कोशिश करेंगे 1 वर्ष के अंदर शहरी क्षेत्र की समस्या तो हम हल कर देंगे। ग्रामीण क्षेत्र में कल मैं पिपलदा क्षेत्र में गया था, मैं यही पूछना चाहता था कि शहरी क्षेत्र के अलावा आपके पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो ग्रामीण इलाका है, यदि शहरी क्षेत्र में तो IDF के अध्यक्ष रहते हुए आपने कई डेवलपमेंट किए जिसका लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है अभी फिलहाल आप गए हैं, लोगों की कोई शिकायतें नज़र आई, क्या एंटी इनकम्बेंसी है, क्या किसानों की नाराज़गी है, किस तरह की चीज़ें सामने आई? देखिए किसानों की तो बहुत कुछ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज़बरदस्त उन्होंने मतलब जो 52 योजना के माध्यम से जो किसानों को जो मतलब लाभ पहुंचाया, उनके जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई की, उससे 99% तक किसान खुश हैं। आज बीमे के अभी उनके बीमा के जो नुकसान हो उसके अभी उन्होंने करीब
5,500 करोड़ रुपए बांटा उसमें। सब किसान जिससे बात करो बोले मेरे यहाँ 1.5 लाख मेरे खाते में आ गए, कोई बोल रहा 5 लाख आ गए, कोई बोल रहा 80,000 आ गए, ऐसे इतना बड़ी राशि बांटी है। उसके अलावा आपका जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जैसे पिपलदा गाँव है, पिपलदा के अंदर पानी की 5 साल से इतनी भयंकर त्रास दी, वो बड़ा गांव है, 4,500 मतदाता। मैं जहाँ पर भी गया जनसंपर्क में, एक ही चीज़ बेचारी महिलाओं ने बोला कि भैया बस पानी ला देना बस। वो मैंने भी उनसे कमिटमेंट किया है कि इस गर्मी में पानी मैं आपको कैसे भी करके यहाँ पे पिलाऊंगा, और पानी में मेरी बहन बेटी जो भी है वो पानी के लिए परेशान नहीं होंगी, पानी के लिए मटके लेके कहीं नहीं जाएंगे, और मैं ये करूँगा। ऐसे तमाम सारी समस्या हैं। नर्मदा गंभीर जो लाइन जा रही है राऊ के ऊपर से, राऊ का एक तालाब है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर से बड़ी लाइन जा रही है, और वो उस तालाब में अगर उस पानी को हम ले लेते हैं तो वो सीधा हमारे पास यहाँ पर राऊ के कनाल में आ जाएगा, और मुंडी में वहाँ अपना पहुँच जाएगा, और वहाँ से फिर बिलावली में आ जाएगा। तो बिलावली में जैसे जाएगा तो निमोदी भर जाएगा, पिपला पाला भर जाएगा। हमारे सरस्वती खान नदी को भी ये लोग नगर निगम उसको जिंदा करना चाहती है, उसको ड्रेनेज को, ड्रेनेज के जितने जो पॉइंट है जो पानी उसमें छोड़ रखा है शहर के, वो धीरे धीरे करके बंद कर रहे हैं, वो बंद करके उसको पानी को सब साफ पानी भरेंगे। तो अगर वो काम भी हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि वो अगर वो चीज़ हो जाती है जो हम जुड़वा देते हैं उसके अंदर, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ऐसे नर्मदा सिपरा लिंक पे भी हम लोग वहाँ पर भी हम काम करेंगे कि वहाँ आसपास के गाँवों को पानी वहाँ पर नर्मदा का मिले, पीने का भी पानी मिले और सिंचाई के लिए भी मिले। तो पटवारी का कहीं विरोध देखने को मिला आपने क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा डेवलपमेंट किया, क्या स्थिति है उनकी? नहीं, विरोध तो क्या, देखिए मैं बताऊँ आपको, आज मतदाता लड़ता तो नहीं है, वो बुराई लेना नहीं चाहता है, वो सीधा उसको मालूम है कि मैं अभी मौका है चुनाव का, अपन बुराई लेने के बजाय उसके पास एक मत का ऐसा अधिकार है कि वो मत के माध्यम से उसको हटा देता है, वहाँ से बदल देता है। तो मुझे लगता है कि आज मतदाता किसी से झगड़ा नहीं करेगा। अगर कोई भी आदमी, जैसे हम जनसंपर्क करने जा रहे हैं और कोई तकलीफ हमने काम नहीं किया, तो थोड़ा बहुत बोल लेगा लेकिन वो लड़ाई नहीं करता, लेकिन वो गुस्से के रूप में मतदाता को जरूर परिवर्तित कर देता है। तो राऊ विधानसभा से मधु वर्मा हमारे साथ है, उन्होंने कहा कि जो IDA अध्यक्ष रहते हुए जो डेवलपमेंट के कार्य हम लोगों ने किए उसका प्रतिसाद एक बेहतर रूप से मतदाताओं की तरफ से मिलेगा। पॉलिटिकल पंडित जो है, हम लोग नई विधानसभा में एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे नए कैंडिडेट के साथ। नमस्कार।